हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनीत वर्ल्ड। कैसे हो आप सब गाइज? आई होप कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सोनी तिवारी न्यू वीडियो लेके आ गई है महाअष्टमी का। महाअष्टमी है तो आप सभी को महाअष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सब पर, हम सब पर बनी रहे, बस मेरी बस यही कामना है गाइज। मेरा तो पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है, सुबह ही कंप्लीट हो गया था 8 बजे तक मेरा। आज थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा लगा। आज बृहस्पतिवार का व्रत कथा भी पढ़ना होता है, उनका भी पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान का, तो उन सब में मेरा आज 8 बजे हो गया है। एंड उसके बाद मैंने चाय पानी पिया, जो भी फलाहार किया, और सोचा थोड़ा सा रेडी होकर आप सबसे थोड़ा सा बातें कर लूँ। मैं आज अष्टमी है, सप्तमी युक्त अष्टमी है, आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी है। गाइस, आज अष्टमी है तो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महा गौरी की पूजा की जाती है। उन्हीं को डेडिकेटेड है आज का दिन। उन्हें गुलाबी रंग पसंद है, यानी कि पिंक कलर। तो मैंने आज देख सकते हो आप सब कि मैंने पिंक कलर पहना हुआ है गाइस। क्या ही बोलूँ, फलहार ये सब तो मेरा कम्प्लीट हो गया है, पूजा पाठ सब तो कम्प्लीट हो गया है। महागौरी को आप सबको पता होगा, शायद ना भी पता हो तो आज उन्हें आप नारियल चढ़ा सकते हैं, यानी कि उनके जो भोग उन्हें लगाया जाता है उसमें उन्हें नारियल बेहद पसंद है। तो आप चाहो तो नारियल पानी वाला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सूखा नारियल भी उन्हें चढ़ा दे सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, महागौरी माँ प्रसन्न होती हैं। तो आप सब सूखा नारियल जो भी आप सब को लगे कि जो भी आप सबके पास अवेलेबल हो तो आप सब चढ़ा सकते हैं, सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं या फिर पानी वाला नारियल भी माँ दुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ मैं अपने ससुराल में हूँ, नहीं तो अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन मैं जाती थी वहाँ पे अपने घर पे माता रानी का दर्शन करने। पटना में मासी के पास रहती थी तो वहाँ भी जाती थी। मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा लगता था ना गाइस, मैं क्या बोलूँ आप सबसे। बट यहाँ ससुराल है तो यहाँ कहाँ जाऊँगी माता रानी का दर्शन करने। और वैसे भी माता जी हैं, पिताजी हैं, पंडित जी तो हैं नहीं जो ले जाएंगे, कोई नहीं, घर पे ही पूजा कर लूँगी। अगर मन सच्चा है तो, श्रद्धा भक्ति है तो माँ दुर्गा रानी, माता रानी को मैंने बुलाया ही है घर पे, मेरे घर पे आई है, मैंने कलश रखा है तो उनका ही दर्शन कर लूँगी। एंड नहीं जाऊँगी दर्शन करने क्योंकि पिताजी कैसे ले जाएंगे, वो तो बूढ़े आदमी हैं, उनसे बहुत वीक है। एंड माता जी की भी तबीयत सही नहीं रहती है इसलिए प्रसाद चढ़वा दूँगी और यहीं पे पूजा पाठ कर लूँगी। और लेकिन वहाँ पे रहती थी तो अच्छा रहता था, बट अब तो शादी हो गई है तो कोई बात नहीं, मन सच्चा रहना चाहिए। कहीं भी माता रानी है, यहाँ है, वहाँ है, ये नहीं है कि अगर मैं दर्शन करने पंडाल नहीं गई तो माता रानी का दर्शन नहीं हुआ है। मुझे तो माता रानी का दर्शन यही मंदिर में हो गया है जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ, कलश रखी हूँ, माता रानी को मैं बुलाई हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे है ही माता रानी। हाँ, ये कहिए कि थोड़ा सा आदमी जाता है तो और थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा माता रानी का प्रसाद माता रानी को चढ़ा दिया। बट क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं गाइज, अगली बार जब रहेंगे पंडित जी तो साथ में ही मैं और पंडित जी हम लोग जाएंगे माता रानी का दर्शन करने, बट इस बार तो पॉसिबल नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बस माता रानी खुश रहें, स्वस्थ रखें, सबको घर में सुख शांति दें। और आप लोग भी अच्छा से अपना वो कीजिए, पूजा पाठ करिए, अच्छे से माता रानी को खुश करिए। अगर आप दिल से श्रद्धा से भक्ति करेंगे तो माता रानी जरूर आप सब पर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो माता रानी है, वो अपने भक्तों पे जरूर ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी के बहुत सारे भजन हैं, सब मैं सुनती हूँ, गाती हूँ। शाम में आरती करने के बाद माता रानी का भजन गाती हूँ, 7, 10, 5 या फिर 7 या फिर 8, 9, 10, मुश्किल से हो ही जाता है इतना ऑलमोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा सब भजन तो मुझे अच्छा ही लगता है माता रानी का, बट एक भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और इस लिरिक्स का ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सब लाइन से ज़्यादा इस ये लिरिक्स का ये लाइन मुझे अच्छा लगता है कि दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा।
तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आँख में आंसू आ जाते हैं, इतना दिल से जुबिन नौटियाल यार ये गाना गाते हैं कि आँख से आंसू आ जाते हैं सबके। और मैं तो कहती हूँ कि ये हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम सबका तो ये फेवरेट सॉन्ग है ही। एंड जो मुस्लिम भी हैं वो लोग को भी ये सॉन्ग पसंद है। कमेंट में मैं देखती हूँ कि कितने सारे मुस्लिम कमेंट करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ बट मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। एनी वेज गाई, माता रानी सबको खुश रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हो और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और महाअष्टमी की नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है ना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, तभी ना मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप सबके पास आएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय।